अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ चिकन पकौड़ा रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास हाफ के जी बोनलेस चिकन है, जिसको हमने इस तरह लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, फ्रेश कोरिएंडर, स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ये हमारे पास 6 टेबलस्पून योगर्ट है, वो ऐड करेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसमें बेसन और थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। हमारे पास है बेसन 1 कप के इक्वल, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ में मिक्स करते रहेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि बेसन अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसे कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, क्योंकि कसूरी मेथी से टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पहले ऐड करना मैं भूल गई थी। अब हम इसको मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट्स बाद हम ऑयल लेंगे और उसको हीट अप करके इसमें चिकन स्टिक ऐड करेंगे और इसे हम कर लेंगे फ्राई। फ्राई हम इसे लो फ्लेम पर करेंगे ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। लो फ्लेम पर हम इसके दोनों साइड्स को कर लेंगे ब्राउन और इसे अच्छी तरह हम पका लेंगे। ये हमारे चिकन पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यम्मी।